और चमत्कार से देश चलता है क्या, या देश की मीडिया जो है अभी चमत्कार से जो है देश चलाना चाह रही है? ऐसा व्यक्ति पागल है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि यह बात भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं। तो अगर वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। पहले जो बाबागिरी करते थे, वही बाबागिरी योगी को करना चाहिए। महिलाओं का, शूद्रों का, SC ST OBC का, इस देश की कमेरे जातियों का अपमान किया गया है, उन तमाम धार्मिक ग्रंथों को जला देना चाहिए। तो हम इस देश के ब्राह्मण बनिया पंडे पुजारी सकल तारना के अधिकारी, अगर चमत्कारी बाबा में इतनी ही ताकत है, जोशी मठ में जो दरार पड़ रही है उसको भर दें अपने जादू से, चमत्कार से, मंत्र से। इनकम टैक्स, ED सबकी रेट पड़नी चाहिए। 50 करोड़ बाबा लाया कहां से, कहां छुपा के रखा है? उसको पकड़ के थाने में उल्टा लटका के 3 दिन बिहार पुलिस जो है पूछेगी तो बता देगा 50 करोड़ कहां छुपा के रखा है। औकात में वो लोग रहे जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, औकात में वो लोग रहे जिनको भारतीय संविधान का पता नहीं है, औकात में वो लोग रहे जो देश के SC ST OBC इस देश के अल्पसंख्यक आबादी के अधिकारों के खिलाफ हैं, औकात में वो लोग रहे जो कि संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ हैं, औकात में वो लोग रहे जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, औकात में वो लोग रहे जो किसी दलित बच्चे के मटका छू देने से उसकी पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, औकात में वो लोग रहे कि दलित घोड़ी चढ़ जाए उसको पीटते हैं, औकात में वो लोग रहे कि दलितों के मूछ रखने से जिनको दिक्कत है, तो औकात में उन लोगों को रहना चाहिए। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं इस बात को, धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, उनके चमत्कार की तो रोज ही पोल पट्टी खोलने, एक लड़की है सुहानी सा, रोज ही बता रही है, रोज ही पोल पट्टी खुल रही है, उनके चमत्कार की क्या औकात है? और चमत्कार से देश चलता है क्या, या देश की मीडिया जो है अभी चमत्कार से जो है देश चलाना चाह रही है? तो चमत्कार से देश नहीं चलता। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले जो चमत्कारी बाबा है बागेश्वर धाम, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारतीय गणराज्य में असंवैधानिक बात कैसे कर सकता है? हिंदू राष्ट्र, अब वो कहे हिंदू राष्ट्र, कोई मुसलमान कहते हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई कहे ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस तरह की बात करने वाला हर व्यक्ति को जितनी जल्दी हो, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसा व्यक्ति अपराधी है, ऐसा व्यक्ति पागल है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि यह बात भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना, इस्लामिक राष्ट्र की बात करना राष्ट्र के खिलाफ है, देश के खिलाफ गद्दारी है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सरकार जेल में डाले। सनातन धर्म की बात करना तो अपराध नहीं है ना? सनातन धर्म की बात करना अपराध नहीं है, आप किसी भी धर्म की बात करो, लेकिन संवैधानिक मर्यादा में रहो। आप सनातन धर्म की बात कर सकते हैं, आप बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, आप इस्लाम धर्म की बात कर सकते हैं, जैन धर्म की बात कर सकते हैं, जिस धर्म का बात करना है करिए, लेकिन आप उस धर्म के राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर सकते, ये संविधान के खिलाफ है। ये तो योगी जी कह रहे हैं ना, राष्ट्र योगी को जेल में होना चाहिए। अगर योगी कह रहे हैं तो योगी जी को जेल में होना चाहिए, अगर वो भारतीय संविधान के खिलाफ जो कोई बात करे, वो आदमी भारतीय संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अगर वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। पहले जो बाबागिरी करते थे, वही बाबागिरी योगी को करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है अगर वो भारतीय संविधान की कदर नहीं कर सकते। नहीं, आप तो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ आप नहीं, हमने अभी तुरंत कहा कि जो लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सबकी बात आ गई, जो ईसाई राष्ट्र चाहते हैं, खालिस्तानी राष्ट्र चाहते हैं, हम तो सबके, जो संविधान के खिलाफ है हम उनके खिलाफ हैं, चाहे जो कोई भी भारतीय संविधान के खिलाफ होगा, राष्ट्र के खिलाफ होगा, हम उनके खिलाफ हैं। हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हम राष्ट्र के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, राष्ट्र का जो लोक तत्व है, इस देश की जो जनता है, उसके अधिकार है, उसके हक हैं,
हम उनकी बात करते हैं, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आप लोग धर्म शास्त्रों को बैन कर देना चाहिए, इनका बहिष्कार नहीं, हम तो कह मैं कह रहा हूँ समीक्षा करनी चाहिए धर्म शास्त्रों की, जितने हिंदू धर्म के चाहे मुस्लिम धर्म के जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनकी व्याख्या होनी चाहिए, पता चले किन धार्मिक ग्रंथों में मानव मानव में भेद बताया गया है, किन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, जिन धार्मिक ग्रंथों में भी महिलाओं का, शूद्रों का, SC ST OBC का, इस देश की कमेरे जातियों का अपमान किया गया है, उन तमाम धार्मिक तो ग्रंथों को जला देना चाहिए। गीता प्रेस ने करेक्शन कर तो दिया ना, देखिए तारना की जगह उन्होंने शिक्षा बताया, शिक्षा नहीं तो अच्छा है ना। तो हम भी तो अब कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण पंडा भूमिहार पुजारी सकल तारना के अधिकारी, हम तो कहते हैं हम इस देश के जितने भूमिहार ब्राह्मण पंडा पुजारी राजपूत ठाकुर हैं हम सबको तारना चाहते हैं, तारना चाहते हैं, तारना मतलब आप शिक्षा कहिए या फिर देखना चाहते हैं, तो फिर गलत अर्थ तो है नहीं। हम इस देश के जो ब्राह्मण हैं उसको तारना चाहते हैं, जो वैश्य हैं क्षत्रिय हैं हम भी उनको मनुवादियों को तारना चाहते हैं, मतलब शिक्षा देना चाहते हैं, थोड़े शिक्षित हो जाएं, लिटरेट हो जाएं। तो हम इस देश के ब्राह्मण बनिया पंडे पुजारी सकल तारना के अधिकारी, ये हमारी तरफ से कहावत है, तारना मतलब शिक्षा देना, हम चाहते हैं सब शिक्षित हो जाएं। जान पूछ के मतलब ऐसा नहीं, हमने इसमें मैं कोई जो है वो जिस तुलसीदास दुबे हूँ मैंने कोई किताब लिखी है, मैंने कहा ना मुझे सफाई देने की जरूरत है, वो तो जो अर्थ लगा रहे हैं मुझे लगा इस अर्थ में भाई सिर्फ ढोल गवार शूद्र ही क्यों पढ़े, ढोलक को भी जब ये पढ़ा ही दे रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों ने पढ़ ले, इसमें ब्राह्मण को भी ऐड कर दिया, सनातनियों को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों बदनाम करेंगे, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, हम तो सम्मान कर रहे हैं, उनसे छूट गया इसमें तारना में, उन्होंने मतलब शिक्षित करने में सिर्फ जो है SC ST OBC और महिलाओं को रखा, ढोल को भी पढ़ा दे रहे हैं, गाय बैल को भी शिक्षा दे रहे हैं, अब बस भैया ब्राह्मण क्षत्रिय और जो है वैश्य बच जा रहे हैं, तो हमने तो एड ऑन किया उनको भी तारना। आप तो शूद्र भी नहीं है, आप तो अछूत है ना, तो आपको तो जिक्र भी नहीं है ना, जो शूद्र है वो आवाज उठाए, नहीं नहीं हम बड़े परेशान हैं, हम तो अनटचेबल हैं, हम तो न 3 में है न 13 में है, हम तो जो है शूद्र भी नहीं है, लेकिन क्या है जहां संविधान की बात होती है, ओबीसी भी हमारे समाज के भाई हैं, उनकी बात होती है, महिलाओं के लिए गैर बराबरी की बात होती है, वहां हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो संविधान की बात, राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात हो रही है रामचरितमानस को, अभी इस देश में यही बच गया है, कैसे बना लेंगे राष्ट्रीय, तो फिर कोई इस्लामी कह देगा हम कुरान को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाएंगे, कोई बाइबिल को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहेगा, तो तय कर ले इस देश के लोग कि देश संविधान से चलेगा या इन धार्मिक ग्रंथों से चलेगा देश। अब तक कितना विश्वगुरु बना पाए देश को, इस देश में एक सुई और बटन नहीं बना है, अगर चमत्कारी बाबा में इतनी ही ताकत है, जोशी मठ में जो दरार पड़ रही है उसको भर दें अपने जादू से, चमत्कार से, मंत्र से, जोशी मठ को क्यों नहीं भर दे रहे अपने मंत्र से, ये फर्जी बाबा है, इसको जेल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो विदेशी अखंडताओं ने मंदिर तोड़े थे लेकिन तुलसीदास जी ने एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, मंदिर तो क्यों लिखेंगे, ये तो सुविधावादी लोग हैं ना, सुविधा से लिखते हैं अपनी बातें। 16वीं सदी में इन्होंने लिखा तुलसीदास दुबे जी ने, तो तब तो मुगलों का शासन था, तो मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा, लिखेंगे इन्हें, दमाद भी तो बनाना होता है, लेकिन शूद्र और महिला क्यों नहीं, हाँ लिखेंगे क्योंकि उनका छुआ हुआ अछूत हो जाते हैं महिला, और उनको हम लोगों से सीखना चाहिए, इस देश का जो भेदभाव करने वाले लोग हैं जिन जातियों को लोग, उन लोगों को मुझसे सीखना चाहिए, मैं बता रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी में किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव नहीं किया, मैं ब्राह्मणों का छुआ भी खा लेता हूं, मैं ब्राह्मणों के थाली में भी खा लेता हूं, मैं ब्राह्मणों से भेदभाव नहीं करता, ब्राह्मणों को सवर्णों को मुझसे सीखना चाहिए जो लोग भेदभाव करते हैं। आप समाज में दरार पैदा कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ दरार पैदा करने, मैं तो मानवता की बात करता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, जो लोग भेदभाव करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए भेदभाव। बिहार में आप लोग जातीय जनगणना करवाने लगे, जाति जनगणना तो इसलिए करवा रहे हैं ना, हम तो सवर्णों का हित समझ रहे हैं, सवर्ण की आबादी अब तक 15% थी, हमको लगता है 40% हो गई होगी,
तो हो जाएगी, तो फिर उनका जो EWS कोटा है वो भी तो बढ़ जाएगा। सवर्णों को लड़ना चाहिए कि आरक्षण का कोटा उनका बढ़ जाएगा, आबादी बढ़ गई होगी। हम तो सवर्ण हित में भाई बात करते हैं, खाम खा हम लोगों को बदनाम। एक तरफ जाति खत्म करने की बात करते हैं आप लोग, जाति मुक्त भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाति जनगणना की भी बात। नहीं, जाति के आधार पर शादी हो तो फिर दिक्कत नहीं है, जाति के आधार पर मकान दें तो दिक्कत नहीं है, जाति के आधार पर इंटरव्यू में नौकरी दें तो दिक्कत नहीं है, जाति के आधार पर प्रमोशन करें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर हम पूछ लें कि जो है इस देश में संसाधन में भागीदारी मिले, तब दिक्कत हो जाती है जाति जनगणना से। ये क्या बात, ये तो बेईमानी है, बेईमानी का खेल नहीं चलता। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाइए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्रियों का इलाज, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं का इलाज हम रोज ही करते हैं, रोज करते हैं। लाखों लोग उनके देखिए आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। इस देश में गधों की, आपने गधों की फौज देखी है, बहुत लोग हैं गधों। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गधों की फौज भी होती है। लेकिन परमहंस ने कह दिया कि जेब काटो उसको 10 करोड़ रुपए देंगे हम चंद्रशेखर यादव की। उस आदमी को पागल खाने में भेजना चाहिए, वो आदमी समाज के लिए बहुत घातक है, वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत हानिकारक है। जो किसी का गर्दन काटने पर कहे 10 करोड़ देंगे, हाथ काट दो, मुंडी काट दो, ये अपराधी लोग हैं। होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, उनको चाहिए ऐसे लोगों को पकड़ कर जितनी जल्दी हो हाथ काट दो, गर्दन काट दो, फांसी पर लटका दो, ऐसी बात करने वाले लोगों के साथ दो चीज होनी चाहिए। एक तो ये इनको पागल खाने में भेजो, दूसरा ये जो 50 करोड़ इनाम देने की बात कर रहा है, इसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं? कहां से लाया साधु होके 50 करोड़? तो भिखारी है, नंगा रहता है, पत्ता लपेट के कहां से लाया 50 करोड़? उनके ऊपर CBI की रेट पड़नी चाहिए, IBCD, CBI, इनकम टैक्स, ED सबकी रेट पड़नी चाहिए। 50 करोड़ बाबा लाया कहां से, कहां छुपा के रखा है? उसको पकड़ के थाने में उल्टा लटका के 3 दिन बिहार पुलिस जो है पूछेगी तो बता देगा 50 करोड़ कहां छुपा के रखा है, टैक्स भरा है उसमें। हेट स्पीच में नहीं आते इनका बयान, ये नहीं क्यों आएगा हेट स्पीच में? हेट स्पीच में इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान अगर कोई बात कहे वो हम लोग बोलते हैं तो हेट स्पीच आता है। ये कोई बात करें, हम संविधान बचाने की बात करें तो हम हेट स्पीच वाले लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ बात करें, नफरत की बात करें तो ये जो है प्यार मोहब्बत की बात है, हमारी बातें हेट स्पीच। साधु संत कह रहे हैं तो उसमें आप गलती बता रहे हैं, आप तो मिनिस्टर भी कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, देखिए रघुराज कह रहे हैं। जो भी कहें, मिनिस्टर कहे या कोई और कहे, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला हर आदमी, किसी भी धर्म के राष्ट्र की बात करने वाला आदमी संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके इनको जेल डालना चाहिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री वो कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन दो मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूंगा, वो आदमी जेल जाना चाहिए, वो आदमी पागल हो गया है, संविधान के खिलाफ बात कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, उसको जेल भेज देना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओबीसी सोया हुआ है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव ने जो काम किया है उससे क्या लगा? बहुत नहीं, ओबीसी सोया हुआ पूरा जगना शुरू हो गया है, ये लोग कर रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे। विचारधारा तुरंत कोई इंस्टेंट नहीं है, 2020 का मैच, विचारधारा का फैलाव धीरे धीरे होता है। सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कायदे से जो नहीं फैला रहे, जो कायदे से संविधान के खिलाफ बात करें उनको जेल जाना चाहिए। धन्यवाद।